नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नवाबगंज कस्बा के राजेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज में एक बैठक हुई, जिस बैठक में नगर कमेटी का गठन किया गया। नगर कमेटी का गठन करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में जिला सचिव मतीन खान, जितेंद्र यादव, जीतू, वहीं कार्यक्रम का संचालन विधानसभा अध्यक्ष यशवीर आर्य ने किया। बैठक में नगर अध्यक्ष विपिन पाल ने अपने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की, जिसमें नई कार्यकारिणी के महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सदस्यों की घोषणा की गई। तो वहीं प्रस्तावित सूची भी जिला पर भेज दी गई। आज जो ये बैठक की गई है समाजवादी पार्टी की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे नवाबगंज नवसृजित नगर पंचायत में प्रथम बार नगर अध्यक्ष का गठन किया गया है। नगर अध्यक्ष भाई विपिन पाल जी को, जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने बनाया है, जिसके तहत नगर कमेटी गठित करने के लिए हमारे जिला कमेटी के द्वारा प्रभारी पर्यवेक्षक के तौर पे हमारे भाई मतीन खान साहब, जितेंद्र भाई को नियुक्त किया गया है। हम लोगों को सहयोग के तौर पे यहाँ उपस्थिति रही है। हम लोगों के इस मार्गदर्शन में हमारे नगर अध्यक्ष ने अपनी नगर कमेटी का गठन किया है। 31 सदस्यीय नगर कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर वर्ग, हर समाज और हर लोगों को साथ में जोड़कर पार्टी को, सर्व समाज को लेकर पार्टी के मजबूती के लिए यह नगर कमेटी का गठन किया गया है। हम लोगों ने ये कमेटी नगर अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तावित कमेटी को अनुमोदन हेतु जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष के पास भेजा जा रहा है। वहाँ से अनुमोदन होने के बाद इस कमेटी की घोषणा की जाएगी।